सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज, पहचान सच की। आज वर्ल्ड इंडिजिनस अवेयरनेस डे है 10 अक्टूबर। हमेशा क्या होते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, हैप्पी बर्थडे के जैसे सेलिब्रेट करते हैं, अगले साल तक सब भूल जाते हैं और बीच बीच में कोई अपना लाइफ लेता या सुसाइड कर देता तो वो एक स्टोरी बन जाता है। वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है दूसरे लोगों के लिए, लेकिन जिनका लाइफ गया वो फैमिली परिवार में वो दुख, हाउ दे यू नो हाउ दे फील लूजिंग समबडी दे रियली लव, उनके बारे में हम सोचते भी नहीं अगले सुसाइड तक। तो व्हाट वी नीड टू डू इज इतना अवेयरनेस क्रिएट करना है और इतना कॉन्वर्सेशंस होना है कि मेंटल हेल्थ एक टैबू नहीं है। वो मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है बोलने के लिए लोग शर्माते नहीं, तो वैसे हम कॉन्वर्सेशंस होना है, वो कॉमन होना है और बीच बीच में हम डिस्कस भी करना है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में। फिर बहुत सारे एल्डरली पीपल भी है, एल्डरली पीपल के लिए हम बस तीन क्या प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, मंदिर जाना या हॉस्पिटल जाना या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के पास या टीवी सीरियल्स देखना, उसके अलावा हम कुछ भी उनके लिए प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन एक फोरम बीइंग दे मैटर्स जैसे एक फोरम है, तो हम फोकस ग्रुप है एल्डरली पीपल, दे विल कम टूगेदर, दे विल टॉक देयर प्रॉब्लम्स, दे विल हेल्प ईच अदर, बीच बीच में हेल्प करेंगे वो और दे विल टॉक मोर, और कुछ दुख है तो वो दुख प्रॉब्लम नहीं होते और एम्बेरसमेंट नहीं होते। और आई एम अ डिप्रेशन सर्वाइवर, मैं इससे बाहर आ गए हैं इसलिए नहीं कि मैं आई वॉज वेरी वीक, मैं स्ट्रांग इसलिए आई केम आउट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन, और इतना स्ट्रांग हूं मैं कि आज बीइंग द मैटर्स हो गए। और बहुत सारे लोग जो मेंटल हेल्थ इलनेसेस दे आर गोइंग थ्रू, वो लोग सब इकट्ठा होके हम बोलना है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एक पाप या एक एम्बेरसमेंट नहीं है, विच इज अ इलनेस लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एनीथिंग, एंड बोलना है कि बीइंग द मैटर्स, जिंदा रहना है और दूसरे लोगों के लिए शामिल भी होना है, बीइंग द मैटर्स। मैडम, अगर कोई बंदा डिप्रेशन में चले गया तो उसको पहली चीज तो वो एक बीमारी है नहीं कि कोई उसका एक्सरे में आएगा या फिर कोई टेस्ट में आएगा, तो पहली चीज़ तो आदमी को समझे तक बहुत टाइम लग जाता। अगर वो सपोज कोई बंदा डिप्रेशन में चलेगा तो उसको बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? मैडम, बाहर आने के लिए फर्स्ट एक फ्रेंड होना है और हमेशा हमारे फ्रेंड वो समझते नहीं, इसलिए ऐसे फोरम है कि जो भी लाइक यू नो एक गूगल फॉर्म भरना है और देयर विल बी 6 मेंबर्स का एक फोकस ग्रुप होंगे, तो एक ऑनलाइन ग्रुप स्टार्ट होगा, वी विल टॉक टू ईच अदर, एक फ्रेंड होना है, कोई बात करने के लिए होना है, एंड समबडी हु लिसन्स टू अस और विदाउट जजमेंट। और हम ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत दुख हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट प्रेइंग, और दे विल टेल यू दैट मे बी बिकॉज यू आर नॉट स्ट्रांग एज अ पर्सन। अरे क्यों, सब फीलिंग ही होते हैं, फीलिंग है, मुझे फीलिंग है कि मुझे इतना आई एम फीलिंग सैड, वो फीलिंग है, इज दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, डोंट टेल मी दैट इट इज ओनली योर फीलिंग, चुप रहो, बिकॉज देन आई विल हाइड एंड आई विल जस्ट गो एंड प्रॉबेबली एंड अप डूइंग समथिंग, आई मे वन डे फील लाइक यू नो आई वॉन्ट टू एंड माई लाइफ। वो थॉट हमेशा सबके मन में होते हैं, सब लोग बोलते नहीं, सब कुछ लोग करते हैं, करने के बाद सोचते हैं oh god, you know, they should have talked to me, aise nahi hota, so first we need to have a friend, somebody to talk to. Aap log kis tarike se help kar rahe hain madam? Aap log being the matters is a focus group, so we are acting like a bridge between the psychiatrists, counselors and people who are going through an emotional disturbance. When they come to know that being emotionally disturbed is not nothing wrong, and first of all acceptance hona hai कि मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं अपने आप संभाल नहीं पा रहा, तो इसके लिए मुझे कौन हेल्प कर सकते हैं? अगर बीच बीच में बात करके फायदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना है, वो डिसीजन लेने के लिए हम हेल्प करते हैं। आपका ऑफिस कहाँ पर है? मैं ऑफिस अभी नहीं है, पैंडेमिक की वजह से हम घर घर अपने घरों में बैठ के काम करते हैं। तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर बोलिए मैडम। कॉन्टेक्ट नंबर beingthematters@gmail.com।
वो ईमेल पे ईमेल करेंगे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हम एक्टिव है। कॉन्टैक्ट नंबर अभी तो पब्लिक नंबर नहीं, मेरा पर्सनल नंबर है, तो फेसबुक में पूरा ओके।